हरियाणा के पानीपत में कुछ नकाबपोश ने रेलवे कर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी, साथ ही उसके दो साथियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्योंकि रेल कर्मी और उसके दो साथियों ने इन नकाबपोश बदमाशों को हुड़दंग करने से रोका था, जिसके बाद ये आपा खो बैठे और सनौली रोड पर गोयल मार्बल हाउस मार्केट में चाकुओं से गोदकर रेलवे कर्मी की हत्या कर दी। उसके दो साथियों पर भी चाकू से हमला किया गया, दोनों घायल हो गए। पास में खड़ा एक अन्य लड़का भी घायल हुआ है। दरअसल संख्या में पांच नकाबपोश बदमाश बीच सड़क पर हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। हनुमान सभा की आड़ में डीजे के साथ हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाश सरेआम धारदार हथियार डंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। ये बदमाश वहां आते जाते कई लोगों को झगड़े की नियत से परेशान कर रहे थे, जिसका विरोध रेलवे कर्मी और उसके दो साथियों ने किया। इसी बात पर नकाबपोश हुड़दंगी हमला कर फरार हो गए। कुछ लोग इनका वीडियो भी बनाते नजर आए। लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों घायलों को निजी अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात में घायल दोनों युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और वो इन आरोपियों को पकड़ने और सजा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में टोल प्लाजा से जबरन गाड़ी निकाल रहे कुछ लोगों ने एक टोल कर्मी की पिटाई कर दी। आरोपी बीजेपी विधायक रविंद्र पाल सिंह के समर्थक बताए जा रहे हैं, जिनसे कर्मचारी ने पैसे मांगे, लेकिन आरोप है कि इससे नाराज होकर वो उस पर टूट पड़े। टोल प्लाजा से सामने आए वीडियो में दिखा कि जब कर्मचारी उनसे बचने के लिए अपने केबिन की तरफ जाने लगा तो वो उसके पीछे वहां भी पहुंच गए। इसी बीच उसका एक साथी बीच बचाव के लिए सामने आया तो उसकी भी धुनाई हो गई। वीडियो में साफ दिखा कि गाड़ी जब टोल प्लाजा पर पहुंची तो कर्मचारी ने बैरियर को नीचे कर दिया।